हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। इस लेसन में हम देखेंगे जोसेफ एडिसन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चन एंड टाइम की मोमेंट्स के जो आपके प्रिपरेशन होते हैं उसके लिए बेस्ट होते हैं। इस समय जो आप थ्योरी और जो भी अदर लेंदी कंटेंट आपसे जो नहीं आप पढ़ सकते, सो एमसीक्यू आर द बेस्ट एट द एंड टाइम प्रिपरेशन। सो जोसेफ एडिसन आज इस लेटर लेसन में हम कंप्लीट करेंगे। आपके सिलेबस में है वो जैकबियन टू रेस्टोरेशन जो कैटेगरी है उसमें आपको ये मिलेंगे जोसेफ एडिसन। ओके, एंड हम इनको पढ़ रहे हैं आज हमारे एग्जामिनेशन के तहत 1672 से लेकर 1719 ये इनका लाइफ स्पैन है। ओके, न्यू क्लासिकल एज में कंसिडर किए जाते हैं और 17th सेंचुरी के राइटर हैं। नेशनैलिटी कंट्री पूछ लेते हैं तो इंग्लैंड है, ब्रिटिश के हैं हमारे, ये सरफेस की चीज़ें हैं। सेंचुरी, एज, कंट्री। ओके, तो सेंचुरी है 17th सेंचुरी, कंट्री इंग्लैंड, ब्रिटिश, एंड जो इनकी एज है न्यू क्लासिकल एज को ये बिलोंग करते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। इन विच ईयर वॉज एडिसन बॉर्न? द आंसर इज 1672। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सरफेस क्वेश्चन। एंड जो प्लेस है इनका जहाँ इनका जन्म हुआ है, मिल्स्टन विल्टशायर इंग्लैंड। मिल्स्टन विल्टशायर इंग्लैंड जो प्लेस है इन 1672 1672 में इनका वहाँ बॉर्न हुआ। इन विच लिटरेरी एज डिड एडिसन राइट हिज एसे? किस लिटरेरी एज में ये ऐसे इन्होंने लिखे हैं? सो आंसर इज नियो क्लासिकल एज। नियो क्लासिकल एज वो होती है उसमें उसको कहते हैं जहाँ वो 1660 से लेकर 1798 तक इस समय के बीच जो कंटेंट लिखा गया 1660 से लेकर 1798 के बीच जो लिटरेचर लिखा गया वो इस एज में आता है, न्यू क्लासिकल एज। और इनका लाइफ स्पैन 1772 से 1672 से 1719 है, तो ये इसी एज में कंसिडर किए जाते हैं। इनके वर्क इनके ऐसे, और ये हैं क्या, तो एसेइस्ट हैं, प्ले राइट हैं, ड्रामा भी लिखे हैं इन्होंने, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे इस लेसन में आज है। इनके वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप इनकी रही रिचर्ड स्टील से, तो उनके क्वेश्चन उनके साथ इनका कनेक्शन भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर इन्होंने जो दो पब्लिकेशंस रहे इनके जर्नल के ये जो पार्ट रहे, तो वो उनके नाम आएंगे हमारे सामने आज, द टैटलर, द स्पेक्टेटर्स, कैंपेन क्या है, द ड्रामर इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, कैटो को हम भूल नहीं सकते, कैटो और ट्रेजेडी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। तो चल रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। हु वॉज द को ऑथर ऑफ एडिसन राइटिंग द कवरली पेपर? देखिए, एडिसन की राइटिंग, एडिसन का वर्क है द कवरली पेपर। पहले तो आप वर्क पे फोकस कर लें, ये वर्क है एडिसन का, बट इसके को ऑथर कौन है? तो ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि रिचर्ड स्टील इनके बेस्ट फ्रेंड है और वही इसके को ऑथर भी रहे, रिचर्ड स्टील। द कवरली पेपर जो वर्क है इन किसके द्वारा लिखा गया है? तो एडिसन एंड को ऑथर इज रिचर्ड स्टील, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिसन्स रोजामंड। वर्क से सीधे सीधे हम बात करेंगे इनके। देखिए, रोजामंड जो इनका एक क्या है पूछ लिया, इसका जैनर पूछा है। ऑब्वियसली कोई भी वर्क है उसका हमको पोइट्री फॉर्म, लिटरेरी फॉर्म पता होना चाहिए कि वो क्या है, प्ले है, पोइट्री है, ड्रामा है। तो रोजामंड इज अ प्ले। ओके, ये प्ले वर्क है और ये ओपेरा प्ले है। ओके, रोजामंड प्ले है, ओपेरा है, थ्री एक्ट है इसमें। फर्स्ट परफॉर्मेंस कब हुआ था? 1707 में। स्टूडेंट्स, जैसे कि जो वर्क होते हैं, प्ले है, तो इनका परफॉर्मेंस चलता है स्टेज पर, पब्लिश भी हो बाद में, बट दैट टाइम परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता, तो 1707 में फर्स्ट परफॉर्मेंस इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनका बन रहा है, एडिसन्स का वर्क कैटो, कैटो क्या है? अगेन इसका लिटरेरी फॉर्म पूछा है। स्टूडेंट्स, वेरी सरफेस के क्वेश्चन है जो हम पढ़ रहे हैं जोसेफ एडिसन को, बिल्कुल डीप क्वेश्चन नहीं है, इतना तो हमको कवर करना ही पड़ेगा इनके वर्क्स को और उसका लिटरेरी फॉर्म। तो कैटो एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी वर्क है कैटो, किसके द्वारा लिखा गया है? जोसेफ एडिसन के द्वारा। कब लिखा गया था? 1712 में, 1712 में लिखा गया था। एंड इसका भी फर्स्ट परफॉर्मेंस जो हुआ था 1713 में हुआ था। ओके, 1712 रिटन ईयर, 1713 फर्स्ट परफॉर्मेंस ईयर। मोस्ट फेमस है कैटो आर ट्रेजेडी बाय जोसेफ एडिसन। इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम साथ में देखते चलते हैं। एडिसन्स अ ड्रमर, अगेन इनके जो वर्क आ गए, तो द ड्रमर क्या है इसका पूछा इन्होंने हमसे। अगेन लिटरेरी फॉर्म पूछा है, सो लिटरेरी फॉर्म इज अ मोरल कॉमेडी, ये मोरल कॉमेडी है।
द ड्रमर क्या है, मोरल कॉमेडी है। एंड इसका एक और अदर टाइटल है जो कि है द हॉन्टेड हाउस। तो अगर द हॉन्टेड हाउस वर्क किसका है, अके वो भी हमारे जोसेफ एडिसन ही है, जो कि द ड्रमर और द हॉन्टेड हाउस ये टाइटल सेम ही है, दोनों एक ही वर्क का टाइटल है। अच्छा, तो ये परफॉर्मेंस इसका कब हुआ था, 1716 में। ओके, द ड्रमर जो पब्लिश हुआ था 1716 में, इसका पब्लिकेशन ईयर है। ये एक मोरल कॉमेडी है द ड्रमर, एंड द हॉन्टेड हाउस इसका अदर टाइटल है बाय जोसेफ एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज एडिसन इलेक्टेड एज अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट। आ गए इनके हम लोग पॉलिटिकल करियर पे, तो ये बने थे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट किस साल बने थे, इन 1708। ओके, 1708 में इनको ये पोस्ट इलेक्ट हुए थे एज अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिसन द कैंपेन इज, अगेन ये इनका वर्क है, कैंपेन पोयम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की जब लिटरेरी फॉर्म, तो हम साथ में आपको बताते ही चलते हैं कि कोई भी वर्क है उसका फॉर्म क्या है, तो वो ये एक पोयम है द कैंपेन, वही इन्होंने पूछा है। सो आंसर इज पोयम। एंड ये पब्लिश कब हुई थी, स्टूडेंट 1705 में पब्लिश हुई थी बाय जोसेफ एडिसन। इन्होंने ये पोयम है द कैंपेन एड्रेस किया था, इस पोयम में एड्रेस टू मार्लबोरो, मार्लबोरो को एड्रेस करके ये पोम लिखी थी इन्होंने, द कैंपेन पब्लिश्ड इन 1705। तो हमको यहाँ फोकस करना है कि पहले तो सिर्फ वर्क का नेम, कि ये द कैंपेन वर्क है जोसेफ एडिसन का। ओके, देन इसका लिटरेरी फॉर्म दैट इज पोयम। ये कोटेशंस हैं इनके लिए जो बोली गई, किसने कही, एडिसन ऑलमोस्ट क्रिएटेड द परफेक्टेड इंग्लिश प्रोज एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल थॉट, हु होल्ड दिस व्यू फॉर एडिसन। आंसर इज ए कॉर्थॉप, कॉर्थॉप इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने ये व्यू एडिसन जोसेफ एडिसन के लिए रखा है, बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, रीडर सेल्डम परस्यूज अ बुक विथ प्लेजर्स टिल ही नोज वेदर द राइटर्स ऑफ इट बी अ ब्लैक और अ फेयर वन। तो ये व्यू है इनके लिए जो बोला गया है, या फिर ये एसेस में बिगिन हुआ है इस लाइन से, ये जो इनका जो एक वर्क है, कौन सा वर्क है, कौन सा ऐसे है जिसकी ये बिगिनिंग लाइन है, अ रीडर सेल्डम परस्यूज अ बुक विथ प्लेजर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। स्टूडेंट्स, यहाँ हमको फोकस करना है इस वर्क पे, द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ पे। और ये क्या है, इनका जर्नल इन्होंने स्टार्ट किया था एक जोसेफ एडिसन ने, ठीक है, डेली पब्लिकेशन आते था इनका, उसमें पब्लिश होते थे इनके वर्क एसेस। तो स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ आया था 1711 से ये जर्नल शुरू हुआ था, और ये 1714 तक ही चला था। और इसका मेन क्वेश्चन बनता है, जैसे कि दो जर्नल्स थे जो इन्होंने, जिसमें ये जोड़े जो इन्होंने स्टार्ट किए, जिसमें से स्पेक्टेटर्स इन्होंने स्टार्ट किया था और बिल्कुल अमेजिंग इसको पॉपुलैरिटी मिली थी इनके इस जर्नल को, और इसको ज्वाइन किया था रिचर्ड स्टील ने बाद में। ओके, क्योंकि जब रिचर्ड स्टील का एक जर्नल है वो इन्होंने ज्वाइन किया था, इसका मिक्स क्वेश्चन हो जाता है। तो हमको याद रखना है, द स्पेक्टेटर्स फाउंड किया गया था, स्टार्टेड बाय जोसेफ एडिसन, डेली पब्लिकेशन था, 1711 में स्टार्ट हुआ था ये, और इसमें रिचर्ड स्टील इनके फ्रेंड जो है वो बाद में जुड़े थे। तो ये उसकी बिगिनिंग लाइन है, इतनी पॉइंट इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट दैट फिटेड एडिसन वॉज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। इनके सेंस ऑफ ह्यूमर की को प्रेज करते हुए ये व्यू किसने बोला है, मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट बताया है इनके सेंस ऑफ ह्यूमर को। सो दिस व्यू हेल्ड बाय, ऑप्शन इज ए डेटन। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, ये व्यू इनके लिए किसने बोला है, डेटन है, वर्क नहीं, बायोग्राफी नहीं, इनके बारे में कोटेशंस व्यूज जो बोले गए, डेटन है इसका इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर, हिज आयरनी एंड अर्बेनिटी आर द टू मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेड्स इन द एसेज ऑफ एडिसन हु होल्ड दिस व्यू। तो इनके बारे में, इनके एसेज को जो प्रेज करते हुए ये बात जो बोली गई है लोबॉन के द्वारा बोली गई है, लोबॉन इंपॉर्टेंट है इसका। ये दोनों जो है, डेटन ने क्या बोला है, मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट, एंड लोबोन ने इनके एसेस को प्रोमिनेंट करके बताया है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों कोटेशंस जोसेफ एडिसन के लिए। एंड द सक्सेस ऑफ द स्पेक्टेटर वॉज इमीडिएट एंड परमानेंट। ये देखिए, स्पेक्टेटर जो उनका डेली पब्लिकेशन इन्होंने शुरू किया था इन 1711, वो बहुत फेमस हुआ था और बहुत सक्सेसफुल हुआ था, तो उसके लिए ये बोला गया है, द सक्सेस ऑफ द स्पेक्टेटर वॉज इमीडिएट एंड परमानेंट, हुज व्यू इज दिस। तो अगेन ये जो व्यू है बोले हैं डेटन ने, डेटन ने ही ये बात कही थी। एंड
अगेन एडिसन ऑलमोस्ट क्रिएटेड एंड परफेक्टेड इंग्लिश पीरियोडिकल एसे एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल थॉट. तो ये व्यू किसका है और ये बोला जा रहा है एडिसन ने जो भी वर्क पॉलिटिकल एसेस क्रिएट किए हैं उसके लिए बोला जा रहा है. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्थोप इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि ये व्यू है कॉर्थोप की और बोल रहे हैं कि जो इनके एसेज हैं इंग्लिश के पीरियोडिकल एसे हैं वो एक तरह से सोशल थॉट को एक्सप्रेस करने का एक इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, जो भी समाज के विचार हैं उसको कैसे बाहर लाएं तो वो एक्सप्रेस होते हैं इनके इन एसेज के द्वारा. तो ये कॉर्थ्रॉप का ये व्यू है. तो इसमें हमें पॉइंट याद रखना है कॉर्थ्रॉप डेटन और लॉबॉर्न इनके लिए व्यूज बोले हैं और क्या बोले हैं वो मैंने बता ही दिया आपको. दस आई लिव इन द वर्ल्ड रादर एज अ स्पेक्टेटर ऑफ मैनकाइंड देन एज वन ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम विच एसे इज द अबव सेंटेंस क्वेटेड. तो स्टूडेंट्स ये इनका जैसे कि इनके बहुत फेमस एसेज रहे हैं जो पब्लिश होते थे इनके जर्नल्स में स्पेक्टेटर्स में टैटलर में. तो उसमें से एक लाइन ही हमको दी गई है इसका आंसर है बी द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ. ठीक है, तो ये किस एसे का ये कोट किया गया है दस आई लिव इन द वर्ल्ड रादर एज अ स्पेक्टेटर ऑफ मैनकाइंड. तो ये हो गया हमारा स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ का सेंटेंस. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन द कावरले पेपर इज अ मर्चेंट ऑफ ग्रेट एमिनेंस इन द सिटी ऑफ लंदन. इनका वर्क है कावरले पेपर्स. ओके, अब इसका फेमस कैरेक्टर कौन है जो कि लंदन के मर्चेंट होते हैं बहुत अमीर व्यापारी होते हैं लंदन के, वो इसमें एक कैरेक्टर है कावरले पेपर में. तो आंसर है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट. सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट इसका आंसर है जो कि लंदन के फेमस बहुत रिच होते हैं मर्चेंट इन द वर्क कावरले पेपर्स बाय जोसेफ एडिसन. स्टूडेंट्स हमें फोकस करना है वर्क का नेम कावरले पेपर किसका वर्क है जोसेफ एडिसन जी का वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एसे स्टार्टेड द वर्क ऑफ द जर्नलिस्ट लिटरेचर. आ गए हम लोग टैटलर पे. टैटलर का क्वेश्चन यहाँ बन गया है. तो क्या बोल रहा है इसमें ये देखिए कि जो कौन सी सीरीज़ है जो स्टार्टेड की गई थी जर्नलिस्टिक के रूप में ये है टैटलर. स्टूडेंट्स टैटलर का ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया है हालांकि ये टैटलर जो जर्नल है पब्लिकेशन है शुरू किया था रिचर्ड स्टील ने इनके जो फ्रेंड रहे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे रिचर्ड स्टील पर इन्होंने इसे ज्वाइन किया था एडिसन ने. ओके, एडिसन इसके को एडिटर रहे या इसके इसमें वो जुड़े थे टैटलर से इसीलिए लिया गया है. और टैटलर आया था 1709 से स्टार्ट हुआ था ये जो जर्नल है 1709 से लेकर 1711 दो साल तक आया था टैटलर. ठीक है, टैटलर पब्लिकेशन हुआ था टैटलर में उसके बाद स्पेक्टेटर आया था. ज़रा फोकस करें इस बात को. स्पेक्टेटर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ. टैटलर आया था 1709 से 1711 और टैटलर के बाद स्पेक्टेटर शुरू किया था फिर जोसेफ एडिसन ने जिसमें स्टील जुड़े थे और इसमें ये स्टील ने शुरू किया था रिचर्ड स्टील ने और फिर उसमें हमारे एडिसन जोसेफ एडिसन जुड़े थे. और ये जो टैटलर है थ्राइस इन वीक पब्लिश इसमें होता था वर्क जो है हफ्ते में तीन बार के दो साल चला था ये 1709 से 1711 और हमारे जोसेफ एडिसन ने इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया था. इसके अलावा टैटलर और स्पेक्टेटर के अलावा एक और नाम आता है पब्लिकेशन का जर्नल का जिसमें इन्होंने जोसेफ एडिसन ने कंट्रीब्यूट किया था हालांकि उनका इस क्वेश्चन नहीं है पर मैं वैसे ही बता देती हूँ द गार्जियन. ओके, द गार्जियन 1713 में एक पब्लिकेशन था जिसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट उसमें भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था. तो स्पेक्टेटर्स टैटलर आया पहले देन स्पेक्टेटर्स एंड विद द गार्जियन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैटलर वॉज स्टार्टेड बाय. तो पूछ रहे स्टार्ट किसने किया था जो रिचर्ड स्टील ने किया था. ठीक है, यहाँ पर आपको एडिसन नहीं लगाना है. टैटलर के साथ एडिसन का नाम जुड़ेगा. एडिसन के पढ़ेंगे तो हम टैटलर पढ़ेंगे बट टैटलर जो जर्नल है जो पब्लिकेशन है स्टार्ट वो रिचर्ड स्टील ने किया था 1709 में. इससे ऐड हो गए थे हमारे एडिसन बाद में. ओके, तो स्टार्ट करना और उसमें बाद में ऐड हो जाना दो अलग बातें हो जाएंगी इसलिए क्वेश्चन इसमें पूछा गया है रखा गया है. कुछ इनकी लाइफ की टाइमलाइन हम देख लेंगे एक बार. स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि हम इनके एमसीक्यूज़ देख रहे हैं बायोग्राफी पॉइंट. तो ये देख लीजिए इनका जन्म है बॉर्न इन मिल्स्टन विच शायर इंग्लैंड. तो कब 1672 में हुआ था. ओके,
ये टाइमलाइन वाइज है सारा। तो 1672 इनका जन्म हुआ है मिल्स्टन विटशायर इंग्लैंड में। देन एजुकेशन हुआ इनका ऑक्सफोर्ड में, जी हाँ क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन्होंने ज्वाइन किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का क्वीन कॉलेज। ओके तो इस पर देख लेंगे ये इनका टाइमलाइन वाइज है। तो कब ज्वाइन किया था इन्होंने, 1687 में क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। देन रिसीव्ड ट्रैवलिंग पेंशन, इन्होंने ट्रैवलिंग पेंशन इनको मिली थी 1699 में मिली थी। और द कैंपेन लीड्स टू पॉलिटिकल ऑफिस, इन्होंने ये कैंपेन भी एक चलाया था, जैसे कि इनका पॉलिटिकल करियर है तो वो इन्होंने लीड किया था 1704 में, इसके एक साल पहले यहाँ पर। एंड वेंट टू आयरलैंड, आयरलैंड गए ये, एंड कब गए थे 1708 में। एंड रिचर्ड स्टील को टैटलर में इन्होंने असिस्ट किया था, बताया ना रिचर्ड स्टील का था टैटलर, इन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया था, असिस्ट किया था, वो किया था 1709 में। एंड स्पेक्टेटर इन्होंने स्टार्ट किया था 1711 में। ओके 1711 में उसके बाद स्पेक्टेटर इन्होंने स्टार्ट कर दिया यहाँ 1711 में। देन इन्होंने जो मैरिज हुआ इनका लेडी वॉरविक से इन 1716। ओके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बने एंड डेड एट हॉलैंड हाउस, इनकी जो डेथ हो गई थी 1719 में एट हॉलैंड हाउस कैंगस्टन मिडिलसेक्स इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी स्टूडेंट 1719 में। तो ये हमने बहुत ही शॉर्ट में इनका लाइफ का टाइमलाइन वाइज इनकी लाइफ बायोग्राफी को थोड़ा कवर किया इस पॉइंट वाइज। और स्टूडेंट्स जोसेफ एडिसन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से रहे, तो इनका वर्क है कैवलरी पेपर्स, रोजा मन जो कि प्ले है, ओपेरा है, कैटोवा ट्रेजेडी अगेन एक प्ले है इनका, एंड द ड्रमर जिसका अदर टाइटल है हॉन्टेड हाउस, द कैंपेन जो पोएम है इनकी, द स्पेक्ट द टैटलर जिसको इन्होंने असिस्ट किया था रिचर्ड स्टील को इस जर्नल में, अगेन इन्होंने खुद का जो जर्नल स्टार्ट किया था पब्लिकेशन वो था द स्पेक्टेटर्स। ओके और क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन्होंने स्टडी किया, इनके रिचर्ड स्टील इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे। टू माई ड्राइडन एक पोएम इन्होंने लिखी थी ड्राइडन की प्रेज में, ड्राइडन की तारीफ में टू माई ड्राइडन, इसका क्वेश्चन भी बन जाता है तो आप इसे भी थोड़ा कंसिडर करते चले। एसिस्ट प्लेराइट पॉलिटिशियन जोसेफ एडिसन न्यू क्लासिकल एज 1672-1719 आज हमने इस लेसन में कवर की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।